सरोज, प्रियांशी सरोज, दिवेन, यश गोदारा, योगेश गोरा, सुश्रित पबरी, सौर्यजीत सिंह, केशवानंद झा, सिद्धि उद्दावत, उन्ति उद्दावत, रुचि, दिव्यांशु, पल्लवी शर्मा, शिशिर रावत, ध्रुविका श्रीवास्तव, शगुन शर्मा, यशिका शर्मा, अकुल शर्मा, वंशिका भास्कर, अभिनव, हर्षित, आरुष सिंह, शताक्षी, दिया राघव, आराध्या राघव, देव, पव, समर्थ विश्नोई। ये 29 पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज के माध्यम से बताया कि हम डिग्री प्रोग्राम में अटेंड होंगे, और टोटल जो कोर्स कंप्लीट स्टूडेंट जिनको डिग्री मिलनी थी वो 64 है, है ना। अभी लास्ट कोरोना टाइम के अलावा अभी लास्ट में अगर देखा जाए तो 64 स्टूडेंट ने वन एंड हाफ ईयर में कोर्स कंप्लीट किया था, 64 स्टूडेंट ने। अभी कोरोना में थोड़ा ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट कम है, अगर कंटिन्यू उसी समय ये प्रोग्राम होता 5 अप्रैल 2022 तो हॉल बिल्कुल भरा हुआ रहता, क्योंकि आप सोचिए 64 स्टूडेंट वो और रनिंग में 70 स्टूडेंट्स, यानी लगभग 600-700 की गैदरिंग, कॉमन सी बात थी, है ना। तो अभी कोरोना का इफेक्ट एजुकेशन लाइन में अभी भी है, अभी भी है ना, स्टार्टिंग नहीं हुई है प्रॉपर वे में। बोलते ना कि इतना डिग्री तापमान है, यही होता है ना कि टेम्परेचर कितना है इतना डिग्री है, तो ये वो टेम्परेचर वाली डिग्री है सेम। यहाँ पे क्या होता है, मापन है, किसका मापन है, लेवल टू लेवल रिजल्ट का मापन है। और हमारा जो लेवल टू लेवल रिजल्ट का मापन हुआ उसमें लास्ट लेवल था डिग्री लेवल, कि इस लेवल तक आपका मापन इतना होता है, आपका रिजल्ट का माप इतना होता है ना। तो वो जो मापन आया उसके बाद में हमने ये दीक्षांत समारोह किया है। अब दीक्षांत का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमारे पास में है, जो स्किल हम ले रहे हैं उसमें हम दीक्षित हो गए, उसमें हम दीक्षित हो गए, यानी कि आप उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम कर नहीं सकते, और वही चीज यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। आपने लाइव देखा होगा, वन डिजिट हो चाहे वन टू डिजिट हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे इनटू हो चाहे टेबल हो, जो भी कुछ है, जो मैंने एडमिशन टाइम में बोला था कि अबेकस के स्टूडेंट प्लस माइनस इनटू डिवाइड टेबल इन सब में दक्ष हो जाएंगे, और जैसे ही दक्ष होंगे दीक्षांत समारोह हो जाएगा, है ना। तो डिग्री और दीक्षांत समारोह का मायना जो होता है रियल में यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ फ्रॉड नहीं है 1% भी, लेवल के अकॉर्डिंग रिजल्ट बिना टेस्ट। तो ऐसा तो मैं बहुत कम, मतलब मैंने नहीं देखा अभी, मैं ये चीज़ और मतलब देखता हूँ कि ये टॉपिक आएंगे ऐसे ऐसे होगा और पूरी बुक में से पूछा जाएगा तो फेल हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है जब अपना फाइनल टेस्ट होता है लेवल कंप्लीट होने के बाद तो हम बुक के कोई सा भी पेज में से टेस्ट लेते हैं, कहीं से भी ओरल एग्जाम होते हैं, कोई पेपर नहीं होता। इस तरह से की दक्षता और उसके बाद में दीक्षांत समारोह, कितनी शुद्धता है, कितनी रियलिटी है इसमें आप महसूस कर सकते हैं कि आपको लेवल टू लेवल एडवांस बताया गया कि ये रिजल्ट आएगा, आ गया नेक्स्ट लेवल, ये रिजल्ट आएगा, आ गया नेक्स्ट लेवल। तो इतना अच्छा दीक्षांत समारोह बहुत कम चांस है कहीं पे होता हो, बिल्कुल शुद्धता के साथ में। तो वो डिग्री बच्चों को मिल रही है, उस दक्षता को बच्चों ने पूर्ण किया है, और वो दक्षता डस्ट में तब्दील ना हो, उस पर डस्ट नहीं आए, उसको हटाने के लिए आपको मेरे से कनेक्टेड रहना है, मेरे से मिलते रहना है, मेरे को कॉल करते रहना है, मेरे से बात करते रहना है। अभी कुछ ही देर में बच्चे आएंगे, वो उनको ड्रेस कोड मिल जाए। यस 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 कैलकुलेटर है ना।
और एक स्किल इसके पास में वो है, मैं आपको बता दूं, ये जो मास्टर योगेश गोदारा है जॉब लेस नहीं हो सकता, इसको हम बेरोजगार नहीं कह पाएंगे। इसका रीजन है कि जैसे मैं सेंटर चला सकता हूं तो मेरे से बेस्ट सेंटर मेरा स्टूडेंट चला सकता है, क्योंकि इसके पास लाइफ टाइम स्किल है। ये ऑनलाइन अपना कोर्स अभी भी शुरू, उन्होंने मास्टर डिग्री ली हुई है और अब नए मास्टर को ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आपका भी दीक्षांत समारोह हमारे बाद में हो रहा है ना। तो नेक्स्ट दिव्यन सेन,